टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। पूरी दुनिया अभी तक कोरोना की वबा से निमट रही है। भारत में सेकेंड वेव का जो शदीद हमला हुआ, इससे निमटने की जद्दोजहद जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। इसी जमन में वादी कश्मीर की एक तंजीम सोशल रिफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑक्सीजन मशीनों, सिलेंडरों और मास्कों की फराहमी के सिलसिला को शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। यहाँ से पता चला तो हम भी फ़ोन पे पहले पता किए, तो इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा ताउन मिला यहाँ से। उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हैं आज, तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव आई शुड से। हमारे तरफ से जितनी कोशिश हो रही है हम कर पा रहे हैं, और आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स यानी कि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी लोगों की खिदमत करें। हम पूरी कोशिश करें कि लोगों को पूरी राहत पहुँचे। पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स में इतना फ्लो है, हर कोई एडमिट नहीं हो पा रहा है। कुछ पेशेंट्स ऐसे जो उतने क्रिटिकल भी नहीं है, उनको घर पे ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ओब्वियसली डॉक्टर रिकमेंड करता है कितना क्या देना है, उस हिसाब से एनजीओज बेटर काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम जो आम लोग हैं वो हॉस्पिटल से घर तो ऑक्सीजन नहीं ला सकते, वो एनजीओ प्रेफर करते हैं, एनजीओ में जाते हैं। और ख़ासकर कुछ एनजीओज ऐसी हैं जो मिडनाइट में भी काम करती हैं। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने कोविड केयर किट उन लोगों तक पहुंचाने का मुफ्त एहतमाम किया है जो इस वबा में मुब्तला होने के बाद होम आइसोलेशन का शिकार हैं। रोहित शर्मा ने एएनआई को बताया है कि वो ऑक्सीमीटर और अद्वायात कोविड के मरीजों तक पहुंचा रहे हैं।
किट्स दे रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, उस किट्स में ऑक्सीमीटर हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, और जो भी एक प्रिस्क्रिप्शन रहती है, प्रिस्क्राइब डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन, वो हम उनको डोर स्टेप पे दे रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को ये ऐसा ना लगे कि वो पॉजिटिव हैं और वो घरों में अकेले बैठे हैं, उनके पास कोई नहीं। क्योंकि COVID-19 को अगर हमने हराना है, उससे लड़ाई लड़नी है, तो हमें साइकोलॉजिकल भी लड़ाई लड़नी है। क्योंकि कोई भी पेशेंट ये ना सोचे कि मैं आइसोलेट हूँ, कोई मेरी सुध-बुध नहीं ले रहा। तो इसीलिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से ये एक डायरेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से हमें, कि घर घर जाकर इनको डोर स्टेप पे आप मेडिसिन प्रोवाइड करें, और भी हालचाल इनका पूछें कि लॉकडाउन के कारण कोई इनको प्रॉब्लम है, मुश्किलात है, हम वो भी सुनते हैं और वो भी हम दूर करते हैं। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास यूरी के मुकाम पर 2 कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं और साथ ही कैफेटेरिया को भी रेनोवेट किया है। इस मौके पर फौज के एक ऑफिसर ने ANI को बताया कि फौज ने मुकामी आबादी की सहूलत की खातिर ये सब कुछ किया है। इसी इलाके के एक पुराने वासी गुलाम मोहम्मद का कहना था कि फौज की मदद से ये इलाका मजीद तरक्की भी कर सकता है और अमन व आशती का गहवारा बन सकता है। The cafeteria has been renovated by the Indian Army for the Awam of Jammu and Kashmir, who proudly visits the command post. After having the motivational tour of the command post and selfie with Command Aman Setu Bridge, the visitors can come here and relax in the serene surrounding here. They can also take along the souvenirs other than the beverages and snacks being served here from here back to their home. And also an impressive 60 feet high pole is there on which our national flag flutters magnificently. And it also adds to the serenity of the background and will surely be a unique and a memory for all the visitors visiting the command post. फौज ने हमेशा, खासकर इंडियन आर्मी ने, फौज तो हमारी इंडियन आर्मी है, उन्होंने हमेशा, उनकी एक कोशिश रही या अमन और शांति रहे। चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और ये बड़ा स्कैटर्ड एरिया है, यहाँ सरहदों की हिफाजत से ही यहाँ अमन और आश्ती जो है कायम रह सकती है, यहाँ तरक्की हो सकती है। जम्मू कश्मीर की धरती हमेशा से मुस्लिम, हिंदू और सिख भाईचारे के लिए मशहूर रही है। बदकिस्मती से सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी ने इस फिजा को नुकसान पहुंचाया और पंडितों की बिरादरी अपने देश से निकलने पर मजबूर हुई। लेकिन अब फिर से साजगार हालात बन रहे हैं और पुरानी रवादारी की फिजा बनने की उम्मीदें बनती चली जा रही हैं। इस सिलसिला में ANI की एक खसूसी रिपोर्ट देखिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
If one needs to know the actual meaning of these lyrics, then this village in Anantnag district of Jammu and Kashmir would be perfect place for him. Known as Mutton, people of different sects reside here with peace and brotherhood. Be it a temple, mosque or gurudwara, the village has it all, making it a beautiful example of religious diversity. The local says that people of various faiths have been living here together for ages and have never let their religion create a rift among them. मैं पाया हम सब जगह घूमते हैं, हम हर जगह निकलते हैं. मेरे यार बरादरी इतनी है बचपन से, यहाँ मुस्लिम बरादरी इतनी मेरे यार दोस्त हैं, सब मेरा स्वागत करते हैं और हम भी उनके साथ रल मिलकर बैठते हैं. बहुत आनंद आता है हमें, कोई यहाँ महसूस नहीं होता है हमें, कोई यहाँ कोई कुछ नहीं महसूस होता कि, क्योंकि यहाँ बरादरी है. हम बैठते हैं आपस में मिलते, वो आज भी आते हैं हमारे पास, मिलते हैं, मिलजुल कर हम काम करते हैं, हर फंक्शन हम मनाते. मैं भगवान का, परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ, सबका परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ ऐसा माहौल है. ये माहौल मुझे नहीं लगता है कश्मीर में कहीं भी. As per the evidences, before 1990s, the village had a greater population of Hindus and Sikhs residing together along with Muslims. However, in 1990s, due to insurgency, a number of Pandit families left the valley and migrated to Jammu and other places of the country. But after 1996, many families returned back, and today they are again living peacefully with their Muslim neighbors. Today, be it happy occasion like marriage or sorrowful event like last riots, they freely visit each other's household and even help each other whenever required. यहाँ का जो माहौल है हमारा एकदम बढ़िया है, सबसे अच्छा है, यानी कि पूरा वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन हमारी ये मटन की एक जगह है, ख़ास इसकी अहमियत है. यहाँ पर मंदिर है, गुरुद्वारा है और बागीचा हमारी, यहाँ पर आगे हमारा मस्जिद भी है और आस्थान भी है हमारा. और सबसे अच्छी बात है यहाँ का कल्चर हमारा, हिंदू मुसलमानों, हिंदू का और मुसलमानों का और सिखों का एक भाईचारा है यहाँ पर जो कायम है अभी तक और आगे भी रहेगा, जो भी नई जनरेशन है उससे भी आगे आएगी. The way in which Mutton village has kept its tradition of oneness alive even during tough times clearly shows that no religion is greater than the religion of humanity. जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए दिन रात काम हो रहा है ताकि सियाहत की फरोग के लिए साजगार हालात बन सकें. इस सिलसिला में सिर्फ अनंतनाग के जिला में ही कई नई कैफेटेरिया बन रहे हैं. कोकर नाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान ने इस तरक्याती कामों पर रोशनी डाली है. कोकरनाग और ये जो पूरा इलाका है बहुत खूबसूरत इलाका है.
कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जैसे लोगों से फीडबैक भी आया, बहुत सारे एसेट्स इस एरिया में क्रिएट किए गए और ताकि हम इस एरिया को एक सेंटर फोकल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना सकें। पूरे अनंतनाग ज़िले की अगर बात करूँ तो उसमें भी बहुत सारे खूबसूरत हमारे और भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, पर खास तौर पे कोकरनाग दक्सुम सिंथन जो एरिया है एक पूरा एक ऐसी सेगमेंट है जिसको एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हम तब्दील कर सकते हैं। आज कुछ डिमांड उठी कि इसमें एक टूरिस्ट फेस्टिवल करवाया जाए, हम टूरिज्म डिपार्टमेंट से इसको टेकअप करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भी इस एरिया में आए। और साथ साथ आप देख रहे होंगे कि इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जा रहा है, जैसे टनल का एक प्रपोजल है जो राउंड द ईयर हमें कनेक्टिविटी देगा। ये कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो इन्हें बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम कोकरनाग की बात करें, धंधीपुरा की बात करें, डक्सुम की बात करें, यहाँ तक कि सिंथन भी उन्हें थोड़ा बहुत डेवलप किया है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में टूरिज्म का जो जहाँ पर जो जहाँ जहाँ भी स्ट्रक्चर है तो हमें उम्मीद है कि टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। ये सही बात है कि जो टूरिज्म ने यहाँ पे यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काम किए हैं यहाँ पे काबिले तारीफ किए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बजट अकोमोडेशन यहाँ पे कुछ हटे बनाए हैं कोकरनाग से ऊपर जो नए नए भी आजकल बन रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। यहाँ धंधीपुरा पार्क जो है वहाँ पर भी, और जो डेक्सोम से ऊपर थोड़ा इन्होंने कुछ वहाँ पर बनाया था कुछ पॉइंट्स, वो भी अच्छे थे। और जो हम चाहते हैं कि जो मतलब यहाँ पर काम है डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब इस तरीके से प्रोग्राम या बाकी चीज़ यहाँ जितने भी काम है वो कर सके, जो यहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ है वो उसमें एडजस्ट हो सके। जम्मू कश्मीर में जहाँ आर्ट और म्यूजिक में टैलेंट की कमी नहीं, उसी तरह स्पोर्ट्स में भी टैलेंट की कमी नहीं। श्रीनगर की एक लड़की अजरा कदीर ने बैडमिंटन के मैदान में न सिर्फ अपनी शनाख्त बनाई बल्कि जम्मू कश्मीर के नाम को भी पूरे भारत में रोशन किया। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए। From past 7-8 years, I have been involved in badminton completely. So badminton की जो बात करी जाए, badminton मैंने यहाँ पे start किया, badminton मैंने districts खेला, उसके बाद मैंने उसमें state खेला and badminton में पिछले around 6-7 साल से मैं यहाँ पे title winner हूँ, title को hold कर रही हूँ and जितने भी यहाँ पे tournaments होते हैं, चाहे कश्मीर ओपन होता है, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर होता है, कश्मीर ओपन होता है, सभी चीज़ों में मैं इस टाइम पर टाइटल विनर हूँ एंड पिछले 7 years से मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड को होल्ड कर रही हूँ।
काफ़ी चैलेंजिंग रहा। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं डाउनटाउन से बिलोंग करती हूँ, यहाँ का जो है एज बिंग डाउनटाउन गर्ल, मेरे लिए इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट पहले स्पोर्ट्स लाइन को चुनना, बिकॉज़ यहाँ पे एक डाउनटाउन में थोड़ा सा रहता है, टेंशन भी रहता है, सोशली लोग उसको गलत वे में देखते हैं स्पोर्ट्स को। सो स्टार्टिंग में इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं जाऊँ अपना क्रिकेट किट लेके मैं जाती थी और मैं खेलने के लिए जाती थी। एंड फिर जब मैंने बैडमिंटन चूज़ किया तो मैं सुबह सवेरे इतना अर्ली मॉर्निंग में जाती थी अपना बैडमिंटन किट लेके। सो लोग भी बोलते थे कि यार कहाँ जा रहे हो इतना अर्ली मॉर्निंग, अभी लोग सोए ही है, आप कहाँ जा रहे हो। सो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था उस टाइम पे ये लोगों को समझाना कि मैं आखिर क्या कर रही हूँ, इसमें मेरा क्या फ्यूचर है, करियर क्या है उसमें। बट जब अब मेरा फ्यूचर जब बन चुका है, करियर बन चुका है, अब लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, जितनी भी मैंने मेहनत की है तब से वो शायद जाया नहीं हुई है। वीकली जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।